ये देखो मैंने अभी इसको आधा निकाल दिया, इसके पाँव भी ये रहे। अब बाकी इसका बाप जो है काफी दिन से हमने इसे बाहर भी नहीं निकाला और ये कमजोर हो रही है अंदर बैठी बैठी। चलो जाओ आ जाओ बाहर। और यार आज या कल में हम इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर दबड़े बना रहे हैं इनके लिए, जो हमारे पास चीज़ें डबल हुई हैं बंद करने में मुश्किल होती है ना हमारे को, उनके लिए यहाँ पर बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और यार ये वाला हमारा जो नीचे वाला चूजा है जो बड़ा हुआ, ये देखो यार ये मुर्गा है, इसका फुल कंफर्म हो गया, वैसे भी कंफर्म था। अब तो इसकी देखो पीछे से पूंछ भी निकल रही है, रंगीन परों में पूरे पर निकल रहे हैं इसके भी। इसको पकड़ता हूँ फिर दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, यार ये देखो पूंछ भी इसकी निकल रही है, काफ़ी फुल बड़ा हो गया है ना, हाथ में रुक ही नहीं रहा है वो। देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है और बड़ा हो गया है, उम्र उनसे भी ज़्यादा बड़ा ही है। लेकिन इसका कद थोड़ा छोटा रह गया क्योंकि हम इसको बंद कर देते थे ना, अब इसको बंद नहीं करते। अभी डंडा लगाया हुआ हमने इसके ऊपर, बढ़िया था रात को। और इसकी बेबीज देखें आज फिर से कैसे हैं, माशाल्लाह से ये तो ठीक है, लेकिन इसको खाना फिर कम दिया हुआ है, खाना ख़त्म हो गया है इनका, शेव लेने गया हुआ है, शेव आए लेकर फिर देते हैं। और इसके बेबीज भी देखें, और ये देखो माशाल्लाह से ये तो बहुत खूबसूरत हैं, माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं ये। ये देखो कैसे कलर के हैं, देखो माशाल्लाह से अपने माँ बाप से भी ज़्यादा क्यूट हैं। इन्हों के पास भी खाना नहीं होते, वो खाना ख़त्म हुआ है, शेप लेकर आए इन्हें खाना देते हैं फिर ही अपने बेबीज को खिलाएंगे जाके। माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, ऐसे है ही नहीं है, इनके माँ बाप भी ऐसे नहीं हैं और दोनों बेबीज सेम है एक जैसे, थोड़ा बहुत फ़र्क है। ये देखो वो डार्क ब्लैक है लेकिन ये हल्का ब्लैक है। भैया फिंच तो एक नहीं दे रही है, ये देखो यहाँ पड़ी हुई है ऐसी, बस खाती पीती रहती है, एग वगैरह तो ये दे ही नहीं रही है, बड़ भी नहीं है। इनकी जगह ऊपर करेंगे फिर शायद बेबीज निकाल दे एग वगैरह देने के बाद। वगैरह माशाल्लाह से हमारे चूजे भी सारे ठीक हो गए, पहले बीच में एक दो बीमार भी हो रहे थे, अब सारे ठीक हो गए, वो देखो घूम रहे। सारे के सारे आ गए माशाल्लाह से, सारे ठीक ठाक हैं, कोई भी बीमार नहीं है। ये वाला ज़्यादा बढ़ रहा है इन सारों में क्योंकि ये अलग बंद होता है ना, साथ बंद नहीं होता, मारते हैं इसे इसलिए। जब पहले खोलते हैं मुर्गा मुर्गी को, होते कोई एक भी पड़ा हुआ उसके पास, पहले मुर्गा मुर्गी को खोलते हैं उसके बाद बाकी सारे खोलेंगे, कबूतर को तो बाद में खोलेंगे। और ये इसका एक उठाएं, पहले एक उठाने दो, ये देखो एक देख लिया ना अब खाना ही करेगी, ये देखो चोच मार के अब खाना ही करेगी, जब से पड़ा था पास जब कुछ नहीं करेगी, लेकिन बाद में हटा देंगे ना, वापसी करेंगे फिर खा जाएगी। और ये देखो इनके भी, इनको भी खोल देते हैं अभी। चलो आ जाओ तुम भी बाहर आ जाओ, चलो जाओ। ये देखो ये उन उससे ना छोटे, इनकी पूंछ नहीं निकली है, देखो इनकी पूंछ इतनी नहीं निकली, वाइट वाले की फिर भी निकल गई है लेकिन इतनी नहीं निकली जितनी उसकी निकली है, वो फुल मुर्गा बन रहा है। मुर्गी तो बैठी हुई है, इसके भी काफी दिन हो गए बेबीज निकलने वाले होंगे, मुझे एक मार की रही है, चेक तो करने दो एक को। ओ तेरी, मुझे ही मार रही है, तो ये चेक नहीं करने दे रही है, चलो बाद में चेक करेंगे, अभी नहीं तंग करती, वैसे कुछ दिनों में निकल जाएंगे, कुछ दिन ही रह गए हैं इसके बेबीज निकलने में। पिद्दों के तो माशाल्लाह से जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि उसके बेबीज बन भी गए। और यार बत्तख के भी पता नहीं काफ़ी दिन हो गए लेकिन बेबीज अभी तक नहीं निकले, फिर भी आज चेक करते हैं, आज इसको उठाएंगे ही बाहर निकालेंगे, काफ़ी दिन से हमने इसे बाहर ही नहीं निकाला और ये कमज़ोर हो रही है अंदर बैठी बैठी। चलो जाओ आ जाओ बाहर, अभी कमज़ोर हो गई यार बहुत ज़्यादा, अंदर कुछ भी नहीं खाती, मुझे मार रही है, मैं हटा रहा हूँ इसको। इसका मेल देखो कैसे आ नहीं कर रहा, ऊपर शोर कर रहा है उसे देखकर, कोई भी नहीं आएगा अभी तुम्हारे पास जब तक बेबीज नहीं निकलते। यार अभी हम अपने दो पिगियन को लाते हैं, ये वाली आज इसको भी दवाई देनी है, दवाई लेकर आए हैं, ये भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। आज हम दो पिगियन को उड़ाते हैं अपने, एक तो पूरी बैठा हुआ है, एक और को निकालते हैं, पहले पानी पियेंगे उसके बाद उड़ाएंगे इन्हें। चलो अब पानी पी लो जाओ, चलो ये तो जैसे ऊपर भाग गया, बैठता ही नहीं है, पिंजरे से बाहर निकलने की देर, ऊपर भाग जाएगा। और यार ये भी एक पे बैठ रहा है, बताइए नहीं बैठ रहा भी है, वो बेबीज निकला हुआ है माशाल्लाह से, ये मैंने तो देखा ही नहीं था, इसका बेबी जल्दी निकल गया यार उनसे भी, ये तो कुछ दिन हुए, एक दिन कुछ टाइम ही हुआ है, एक तो बेबी इसका निकल गया है लेकिन ये बेबी के ऊपर नहीं बैठा हुआ, और दूसरा एक टूटा पड़ा है, दूसरे बेबीज है ठीक है माशाल्लाह से, मेरे को लग रहा है दूसरा एक इन्होंने तोड़ दिया, एक बेबीज निकल गया, एक तोड़ दिया एक इन्होंने, चेक करते हैं इसके अंदर बेबीज है भी या नहीं, हल्का हल्का हिल तो रहा है, मुझे लग रहा है बेबीज ठीक है इसके अंदर निकल जाएगा, यार लग नहीं रहा है क्योंकि ये देखो यहाँ से ये चोंच निकलेगी इसकी बेबी की ना यहाँ से, लेकिन ये टूटा पड़ा है पहले भी, यहाँ से चोंच निकलेगी बेबी की, ये देखो ये टूट रहा है ना। यार मैंने थोड़ा सा रिक्स लेके ना एक तोड़ लिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि बेबीज अंदर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक लग नहीं रहा था कि हो ना हो, कि दिन तो पूरे हो गए, अगर वो निकल गया तो इसको भी निकल जाना चाहिए, इस वजह से मैंने एक तोड़ दिया, ये देखो
एक से बेबीज का बेबीज, ये देखो चोच नजर आ रही है। मुझे डर भी लग रहा था कि कुछ होना गया हो। अब एक तोड़ दिया है ना मैंने, देखो बेबीज को निकाल दिया, थोड़ा सा निकाल के रख दूंगा, बाकी ये खुद ही निकाल लेंगे। ये देखो मैंने अभी इसको आधा निकाल दिया, इसके पाँव भी ये रहे, अब बाकी इसका बाप जो है ना देखो देख रहा है, ये खुद निकाल लेगा बाकी अंडे में से। इसे रख देते हैं इसके बाबा के पास, अभी बस निकाल कर खाना वाना खिला ले इसे। अरे दो पिगे ना नजर नहीं आ रहे, इसको तो बंद करके गया, पता नहीं इसमें खोल कर छोड़े थे, एक खुला हुआ था ऊपर पहले ही, बाकी दो पिगे मुझे नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ पर है, अंदर भी नहीं है, और छत पे भी देखो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे, ना उठते हुए नजर आ रहे हैं, मैं छत में आऊँ मुझे जब भी नजर नहीं आए। देखें यार यहाँ कहीं कोने वगैरह में तो नहीं घुस गए, यहाँ पर तो नहीं है, खाना में तो नहीं बंद कर रहा। ओ ये देखो कहाँ पे घुसा हुआ है, देखना ये पर नजर आ रहा है, और यहाँ से मुझे हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही थी, मुझे पता नहीं है कि क्यों नहीं है। अभी इसे निकाले नीचे से, नहीं आ रहा हाथ में, नहीं आ रहा, पीछे को चला गया, और ये दोनों के दोनों मेरे ख्याल यहीं पर ही है। यहाँ से निकालते हैं इसको, फिर निकालते हैं बाहर, ये कर क्या रहे नीचे बैठे हुए, चलो बाहर निकलो। अगर बिल्ली आ जाए तो आराम सुकून से पकड़ ले, कभी तो जा भी ना पाए निकल के, यहाँ पर घुस कर बैठ गए, अभी बाहर नहीं आ रहा है, यहाँ से मैं हार कर रहा हूँ अंदर वो देखो हो रहा। एक तो आ गया हाथ में ये रहा है, चलो अंदर चलो, अभी तुम किससे पूछ के बाहर निकले, चलो अंदर। दूसरा कहाँ पर है, दूसरा हाथ में नहीं आ रहा, वो भी हाथ में नहीं आ रहा, देखो नीचे की साइड पे बैठा हुआ है, हो रहा हूँ देखो। और यार आज या कल में हम ईंटे भी लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे दबड़े बना रहे हैं इनके लिए, जो हमारे पास चीज़ें डबल हुई हैं बंद करने में मुश्किल होती है ना हमारे को, उनके लिए यहाँ पर बनाएंगे लाइन से, अभी लेकर आनी है, अभी नहीं यानी कल लेकर आएंगे, कल या परसों से काम शुरू करेंगे, आस्ता आस्ता बनाना स्टार्ट कर देंगे, और सिवा फिर मिनट में हो जाए, और गेट तो हमारे वो बड़े में वैसे ये बड़े में, और दो तीन गेट और हो जाएंगे फिर वो लगा देंगे। ये भी सही करना, टूटा पड़ा है नीचे वाला दबला है, उसका भी टूटा पड़ा है, उसमें तो हमने खरगोश शिफ्ट करने हैं, कल या परसों तक उसमें, कल या परसों नहीं, जिस टाइम ये हो जाएगा प्रॉपर इसका काम क्लियर, इधर इनको शिफ्ट करेंगे, उधर फिर हम खरगोश शिफ्ट कर देंगे, और नीचे वाली सारी चीज़ें हम ऊपर लेके आएंगे, हमारी चिली मुर्गियाँ सिल्की हैं और चूजे वगैरह जो है ना हमारे सब हम ऊपर लेके आएंगे, सारा कुछ ऊपर रखेंगे, नीचे कुछ भी नीचे रखेंगे, नीचे मोर रहेगा, और मोर के लिए मादी भी लेकर आनी है कुछ टाइम में, तो उसका जुड़ा रहेगा बस। और ये रही गोलियां हमने इस वाले पिगियन को देनी है, इंशाल्लाह इसकी आँख भी ठीक हो जाएगी, और देखो आँख बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये वाली दवाइयों से इसके आँख ठीक हो जाएगी जो ख़राब है, फिर इसको उतारो नीचे पिगियन निकालें इसमें से, और न्यू पिगियन भी थोड़ा सा छेड़ेंगे आज, उसको उड़ाएंगे नहीं बस थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, नहीं निकाल के गेट खोल कर छोड़ दो, फिर मैं उसे खुद डराऊंगा फिर ऊपर करूँगा, और देखो देख भी रहे हैं निकलने के लिए, और हमारे दो पिगियन तो काफ़ी देर हो गई उड़ी रहे हैं, अभी तक नीचे भी नहीं आए, काफ़ी ऊपर उड़ रहे हैं, एक तो ये रहा और ये रहे माशाल्लाह से पिगियन, अभी इनको बाहर निकालते हैं या खुद आने देते हैं, खुद ही बाहर आएंगे, चलो आ जाओ। ये आ गया बाहर, अभी आस्ता आस्ता करके सारे बाहर आएंगे, इनको थोड़ा थोड़ा सा छेड़ेंगे, ज़्यादा उड़ाएंगे नहीं, हल्का हल्का सा छेड़ेंगे उनको भी इसको भी, दो हमारे नीचे निकल गए, बाकी दो नहीं निकले, इन्हें निकालना ही पड़ेगा, ये देखो माशाल्लाह से ये भी ठीक हो गया है, काफ़ी उड़ने लगते हैं। अरे यार ये रहा, ये देखो कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा, उड़ उड़ के घूमता रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे हिल जाएगा फिर कहीं पे जाएगा भी नहीं, हम नया लेकर आए थे, लग नहीं रहा था दो दिन में हमारे पास हिल जाएगा, दो दिन हुए इसे हमारे पास आए हुए और अब जा भी नहीं रहा कहीं पर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।